राम राम, आप देख रहे हैं जेके मीडिया और मैं हूं सरगम कौशल, मिसेस वर्ल्ड 2022। बहुत बहुत स्वागत है सरगम कौशल जी का, और वादा अनुसार मैंने आपको कहा था जिस दिन मैम मिसेस वर्ल्ड का क्राउन इन्होंने जीता, तो हमने जब जेके मीडिया पर इनका वीडियो पोस्ट किया था तस्वीर के साथ, तो ढेर सारी शुभकामनाएं मिली थी आपको, और मैम ने वो वीडियो भी देखा था। और मैंने उस दिन कहा था कि जिस दिन मैम जम्मू आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारी जम्मू की बेटी जिनका घर बाहू फोर्ट में है और माता बावे वाली जी के आशीर्वाद से इन्होंने मिसेस वर्ल्ड का पेजेंट जीता है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दें आप कौशल परिवार को। इनके पिताजी एक बैंकर हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बेटी को इतनी दूर पहुंचाया, और इनकी माताजी से भी मैंने आपको मिलवाया, और बड़ा अच्छा परिवार है। और आज हम एक बार फिर से इनसे आपसे मिलवाने जा रहे हैं। सरगम जी, बहुत खुशी होती है जब पता चला कि आपने इतना बड़ा क्राउन जीता है, और जम्मू आज प्राउड फील कर रहा है। जब आप जम्मू पहुंचे किस तरह से आपका स्वागत हुआ और कितना अच्छा लगा? थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लगा जम्मू वापस आकर। कल तो एयरपोर्ट पर समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा था मैं मूवी देख रही हूँ। और मूवी में जैसे हर कोई भी ऐसे जैसे हम बचपन में देखते थे ना ब्यूटी पार्लर से जो गीत के आती थी, जैसे सुष्मिता सेन जब गीत के आई थी तो वो ऐसे गाड़ी की छत से बाहर निकली हैं और वेव कर रही हैं सबको, कंट्री का फ्लैग अपने पीछे लेके, तो हम वो सब चीज़ें हम टीवी में देखा करते थे। और जब मैं खुद वो सब कर रही थी तो बहुत वंडरफुल था, अच्छा, बहुत अच्छी फील। सरगम जी, जब आपने वहाँ क्राउन जीता तो जिस समय वो मूवमेंट थी उस समय कितना दिल धड़क रहा था, और मतलब वो कुछ मूवमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता तब थी जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था, जब मैं उस कॉम्पिटिशन को when I was actually during that competition, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कोई कॉम्पिटिशन में हूँ, मैं enjoy कर रही थी वो process बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है मेरे पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं उस मोमेंट को enjoy करूँ। और जब मैं फाइनल थ्री तक पहुंची, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ चुका था ये सोच के कि शायद होनी थी, आपका नाम लिया जाना था। उस समय क्या मतलब फीलिंग थी, कितना दिल धड़क रहा था और क्या उस समय फील कर रहे थे? पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी कि 21 साल बाद ये टाइटल हमारे घर वापस आ रहा था, एंड आ रहा था भी या नहीं आ रहा था वो अभी भी दैट वॉज स्टिल अ क्वेश्चन। एंड देन ऑफकोर्स सभी लोगों ने अपनी विशेज के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे शोल्डर्स पे डाली थी कि यू नो यू बेटर विन, यू हैव टू विन दिस टाइम फॉर इंडिया, एंड ऑफकोर्स दैट वॉज वन फैक्टर। बट उसके अलावा आई थिंक हमेशा उससे बिलीव करती हूँ कि प्रोसेस में इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। मैंने मिसेस इंडिया के दौरान भी यही चीज़ करी थी, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट काइंड ऑफ सेट मी अपार्ट फ्रॉम अदर्स, कि मैं उस प्रोसेस को इंजॉय बहुत करती थी, हर दिन को इंजॉय करती थी, खाना इंजॉय करती थी, चाय होती थी उसको इंजॉय करती थी, एंड अपनी रिहर्सल्स को बहुत इंजॉय करती थी, और अपने को कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती थी। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटरैक्टिव हो, आप जजेस के ऊपर कैसा इंप्रेशन डाल रहे हो, इट्स नॉट दैट कि मैं बनावटी चीज़ें कर रही थी, इट इज़ जस्ट माय पर्सनालिटी, दैट्स हाउ आई एम। एंड वही वो ये चीज़ थी जिसने मेरे को और कॉन्फिडेंस दिया कि मेरी माइंड बहुत अच्छा। मैम, मैं एक बात सबसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, हमारे गवर्नर साहब ने भी मुबारकबाद दी, देश के कोने कोने से जो है मुबारकबाद आई, प्रधानमंत्री जी ने भी मुबारकबाद दी, लेकिन मुझे एक बात कहूँ तो मुझे सबसे प्राउड मोमेंट तब लगी जब इंडियन नेवी द्वारा इनको मुबारकबाद दी गई, क्योंकि इनके हस्बैंड इंडियन नेवी का एक हिस्सा है और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है जब भारत को आप रिप्रेजेंट करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ भी आप जुड़े होते हो। तो मैम, आपने भी देखा होगा इंडियन नेवी मिनिस्ट्री द्वारा जब मुबारकबाद दी तो कितना प्राउड फील हुआ, और एज ए इंडियन जब वहाँ पर आपका नाम लिया गया उस समय? तो जब नेवी की बात कर रहे हैं तो मैं मिली वहाँ पर मुंबई में जो हमारे CNC हैं उनसे और उनकी वाइफ से, इज़ अ वेरी सीनियर ऑफिसर रियर एडमिरल, एंड उनसे मिलने के बाद उनकी वाइफ से मिली उस हेडक्वार्टर में, नेवी हेडक्वार्टर में जब मैं गई, आई फेल्ट लाइक यू नो मैं किसी सोल्जर से कम नहीं हूँ, एंड मेरे पति को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी जितनी मुझे मिल रही थी, तो वो बहुत अच्छा लगा। देन सिमिलर फीलिंग आई जब मैं उस स्टेज पर खड़ी थी और
अभी अनाउंस भी नहीं हुआ था कि मैं जीती हूँ, एंड एवरीबडी वो शाउटिंग इंडिया इंडिया, और वो सब इंडियंस नहीं थे, वो सब और कंट्रीज के लोग थे और कंटेस्टेंट्स के पेरेंट्स थे, उनके हस्बैंड्स, उनके बच्चे थे, एंड वो शाउटिंग इंडिया, इट फेल्ट सो गुड कि मे बी यू नो अपने एक तरीके से फिर मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बिल्कुल सरगम जी, अब आगे फ्यूचर का क्या क्या सोचा है, आगे क्या मतलब प्लान्स हैं? प्लान्स तो बहुत सारे हैं, मेरा अभी अगर आप देखेंगे मेरा स्प्रेडशीट पूरा भरा पड़ा है डेट्स के साथ, क्या आज ये करना है, कल ये करना है। अभी मैं कुछ कॉलेज इवेंट्स अटेंड करके आई, कॉलेज फेस्टिवल्स जज किए, टेड टॉक दिया जो कि मेरा बचपन का ड्रीम था, और भी टेड टॉक्स के लिए इन्वाइट किया गया है, एंड आई वॉन्ट टू गो देयर टू स्पीक। एंड सो इस सब में मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है और लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे जर्नी से कुछ सीखना चाहते हैं, और वो चीज़ अगर मैं शायद एक या दो लोगों की लाइफ में भी अगर कुछ चेंज ला सकती हूँ उससे, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। एंड उससे आगे आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू वेंचर इन टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही थी, जैसे ये ड्रेस जो मैंने पहनी है, दिस इज़ मेड बाय वन ऑफ दीज डिज़ाइनर्स जो प्रमोट कर रहे हैं कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट को, कश्मीरी वुमेन आर्टिजन्स को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज औरतें हैं कश्मीर की, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये इन ड्रेसेस से मैं चाहती हूँ कि लोग और ज़्यादा जुड़ें, और ज़्यादा उनको कश्मीरी औरतों के बारे में पता चले, उनकी प्लाइट के बारे में पता चले, और उसके साथ साथ उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है ये पता चले। दूसरी चीज़ है ड्रग अब्यूज़। मेरा ये इंटरनेशनल जो मैं ये टाइटल जीती हूँ इसमें मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं ब्यूटी फॉर गुड। ब्यूटी फॉर गुड के चलते देर इज़ वन प्लेटफॉर्म दैट आई सपोर्ट विच इज़ विक्टोरिया वॉइसेस। इसमें हम ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं ड्रग अब्यूज़ के रिगार्डिंग। हमारे अपनी कंट्री में, हमारे अपनी स्टेट में ड्रग अब्यूज़ इज़ अ मेजर प्रॉब्लम जो शायद बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं या नहीं देखना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ वो इस चीज़ को देखें। सो विद इन यू नो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी आर प्लानिंग विजिट्स इन कश्मीर, वी आर प्लानिंग विजिट्स हेयर इन जम्मू, जहाँ पर हम इस टॉपिक के बारे में लोगों से बात करना चाहेंगे और उनको जागरूक करना चाहेंगे। और यू नो देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज़ सेल्फ डिफेंस इन यंग गर्ल्स, जिसके बारे में मैं जब मिसेज इंडिया में भी थी तो मैं हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे मुंबई में अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जहाँ पर हम इन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप्स देते थे, इनको उसकी इंपॉर्टेंस सिखाते थे, इनको अलग अलग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के। तो वही चीज़ अगर हम जम्मू में भी कर सकें तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज माहौल हम सब जानते हैं कि अच्छा नहीं है लड़कियों के लिए। हम कितना भी इस कंट्री को सेफ बोल लें, प्रोग्रेसिव बोल लें, बट आज भी लड़की अपने घर में भी सेफ नहीं है। एंड आई थिंक एवरी गर्ल फ्रॉम माई एज टू मुझसे बड़ी या मुझसे छोटी ने हर उम्र में ये चीज़ एक्सपीरियंस की ही है लाइफ में एटलीस्ट एक बार, जहाँ पे शी हैज़ नॉट फेल्ट सेफ इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैन और अ गाय। एंड आई फील लड़कियों को बहुत बहुत ज़रूरी है अवेयर होना अपनी सराउंडिंग्स को लेके, अपनी बॉडी को लेके, और ऐसा नहीं है कि एकदम से यू नो वो कराटे की ब्लैक बेल्ट बन जाए, वो नहीं बनाना है, बट हमें उनको अवेयर बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है, जिससे कि वो सीख सकें कि अपनी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है किसी भी सिचुएशन में। इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट यू नो इफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस जॉइन हैंड्स विद मी, और इफ आई कैन हेल्प देम इन सम वे टू बिल्ड अवेयरनेस, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छा मैम, और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, और मैं चाहूँगा कि स्कूल कॉलेजेस अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो वो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं मैम के साथ और इस मेजर इशू के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैम का, और एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा जो हमारे जम्मू के लोगों को पता होना चाहिए कि मैम की जो स्कूलिंग है जम्मू के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से हुई है, और बीच में कहीं गलत होगा तो आप रोक सकते हैं मुझे। उसके बाद इन्होंने जो लिटरेचर में पढ़ाई की वो जम्मू यूनिवर्सिटी से की, और मुंबई में इन्होंने टीचिंग भी की है, बच्चों को पढ़ाया भी है। और मैं अब इनसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि मैम बच्चियों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो इस पेजेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आप एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन चुके हो, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए और वर्ल्ड में सभी के लिए, क्या आपका मैसेज रहेगा? वेल,
वह हमारे जम्मू में ऐसी कोई अकेडमी नहीं है जो पैजेंट की ट्रेनिंग देती हो, बट अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया के बाकी कुछ पार्ट्स में जैसे चंडीगढ़, मुंबई, पुणे, यहाँ पर आपको अच्छी ट्रेनिंग अकेडमीज मिलेंगी जहाँ पर जितनी भी स्टूडेंट्स आती हैं वो या तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, इन सब के लिए यू नो वो पार्टिसिपेट करती हैं, या मिसेस कैटेगरी के भी जितनी भी, जैसे मिसेस इंडिया INC के लिए पार्टिसिपेट करना है तो वो वहाँ से ट्रेनिंग लेती है. इट इज़ अच्छी अकेडमीज हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और अच्छी बात है अगर आप थोड़ा ट्रेन होकर इस फील्ड में जाएँ तो आपके लिए और अच्छा है, बिकॉज आजकल कॉम्पिटिशन बहुत फियर्स है इवन इन दिस फील्ड. और इस फील्ड के बारे में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो लोगों के माइंड में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रहती हैं कि बहुत स्किन शो है, ये स्विम सूट पहनना है, बिकिनी पहननी है, छोटे कपड़े पहनने हैं. बट लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि वो कपड़े डिसाइड नहीं करते हैं आपका कैरेक्टर, वो कपड़े डिसाइड नहीं करते हैं कि आप वो कॉम्पिटिशन जीतते हो या हारते हो. वो कपड़े सिर्फ ये डिसाइड भी नहीं करते, वो कपड़े एक तरह से आप दिखाते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अलग अलग सिनेरियोस में, अलग अलग सिचुएशंस में. मुझे पहनाया गया था वो नेशनल कॉस्ट्यूम, अगर आप मेरा देखें तो जब मैं पीकॉक बनी थी, इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, द फैब्रिक वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, द शूज वर वेरी अनकम्फर्टेबल, बट आई स्टिल वोर इट बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग समथिंग. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग नॉट जस्ट माई सेल्फ बट माई कंट्री देयर, एंड दीज ब्यूटी पैजेंट्स दैट्स व्हाट दे डू. आज आप नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, कल आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज सो, दैट इज सच अ बिग थिंग टू डू. आई नेवर न्यू दैट फीलिंग बिफोर आई एंटर्ड अ ब्यूटी पैजेंट, एंड टुडे आई डू. टुडे पीपल नो मी बाय माय नेम, लेटर फर्स्ट बाय इंडिया, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट टू मी कि ये इंडियन है. And Sargam Kaushal brought the crown back to India. You know, that's such an amazing feeling. And ब्यूटी पैजेंट इज जस्ट लाइक अनदर कॉम्पिटिशन. आप ओलंपिक्स देख लीजिए, आप कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन देख लीजिए, इट इज़ जस्ट द कॉम्पिटिशन ऑफ ब्रेन्स. एंड या इफ यू विन इट, आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. बहुत अच्छा. और इसी के बीच में सरगम जी के हस्बैंड का बहुत मेजर रोल रहा इस पूरे क्राउन आने में. हमने लास्ट टाइम उनके बारे में बात की थी और मैं सल्यूट करता हूँ, इंडियन नेवी में है वो, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग उनको सल्यूट करें जिन्होंने अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट किया कि आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं. वैसे तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन आपके हस्बैंड का जो सपोर्ट रहा, क्या आप कहना चाहेंगे, और कब उन्हें जम्मू लेकर आ रहे हैं अपने साथ? बहुत जल्दी जम्मू लेकर आ रही हूँ, उनको भी और अपनी प्यारी सी डॉगी को भी. हम जब भी ट्रैवल करते हैं साथ में ही करते हैं हम तीनों. इस बार और पिछली बार नहीं हो पाया बिकॉज वो मुझे उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये मेरा मोमेंट है, तो ये मोमेंट मैं सरगम को दे देता हूँ पूरी तरह से. और इसीलिए जब वो एयरपोर्ट पे भी आए थे तो बिल्कुल पीछे पीछे खड़े थे पूरे क्राउड के पीछे, बट ज़रूर मिलेंगे उनसे. आई थिंक उन्होंने तो कहने की बात है ही, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पर मेरे बहुत शुरू से ही निकले हुए थे, पर उन परों के अंदर जो उड़ान भरी है ना वो उन्होंने भरी है. एंड मेरे पेरेंट्स ने जो भी सपने देखे उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत उन्होंने मुझे दी है, और ना सिर्फ इमोशनली बट फाइनेंशियली भी. यू नो आई वॉज नॉट वर्किंग एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट आई वॉज नॉट वर्किंग एंड माई हस्बैंड सपोर्टेड मी फाइनेंशियली. इट इज़ अ ग्रेट थिंग. आई थिंक एवरी पार्टनर शुड डू दैट फॉर देयर पार्टनर्स, एंड ही डिड इट, एंड नॉट मेनी पीपल डू दैट. यू नो उनको लगता है कि ये कैसी ड्रीम है, इसको मॉडल बनना है, ये कैसी ड्रीम है, बट ही डिड दैट एंड ही बिलीव इन सच अ बिग थिंग. ऑलवेज थैंकफुल. बहुत अच्छा. और देखिए सरगम जी के पिताजी से भी मैंने बात की थी, और शादी से पहले उन्होंने पूरा इनको जो है प्लेटफॉर्म दिया, पढ़ाया और इतनी दूर तक पहुंचाया, और शादी के बाद इनके हस्बैंड ने इनको, इनके परों को वो उड़ान दी, और आज देखिए मिसेस वर्ल्ड का पैजेंट इन्होंने जीता है. और ये छोटी बात नहीं है, 21 सालों के बाद क्राउन हमारे भारत में आया है, और वो भारत में जिन्होंने वो क्राउन लाया है कोई और नहीं, हमारे जमीन के बेटे हैं. इसलिए आप खूब सारी शुभकामनाएँ देंगे, और मैं इनके आगे ब्राइट फ्यूचर के लिए भगवान के आगे और माता बालाजी जी के आगे प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी तरह से अपना नाम और पूरे देश का नाम रोशन करते रहे. इस इंटरव्यू को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा. धन्यवाद. राम राम.